and its diagonals intersect each other at a point O. We have to show that PO upon CO is equal to OB upon OD. Let us see how and what can be done about this. See, I make a small construction in the problem, and that construction is construct EO parallel to EO parallel to DC. Construct EO parallel to DC. Now see what I am doing and what is going to happen. In triangle ADC, EO is parallel to DC. So if I apply Thales theorem here, in triangle ADC, EO is parallel to DC. EO is parallel to DC. If sides are parallel, if this is parallel, then I can say that this upon this is equal to this upon this. So what I have to here is AE upon ED is equal to AO upon OC. This I would like to call it as my first equation. This is my first equation. Okay. Now let us go for the second equation. For the sake of second equation, I will not take this triangle. See, for the first time, what this triangle I have taken? ABC I have taken. This time I will take a triangle ABD I have taken. So in triangle ABD, see, for the first time I was observing from this point of view. मैं यहां से देख रहा हूं, यहां खड़ा था, देखिए यहां पर मैं खड़ा था, यहां से ऊपर की तरफ देख रहा था, अब मैं यहां पर खड़ा हूं और इस ट्रायंगल की बात करता हूं, एबीडी की बात करता हूं। एबीडी के अंदर देखिए, ऑलरेडी एबी इज पैरेलल टू सीडी, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, सो ऑटोमेटिकली दिस साइड विल बी पैरेलल टू दिस साइड. So what I can say, EO is parallel to AB. So I can say that this side upon this side is equal to this side upon this side. Or I can say this side upon this side. In the reverse way I will go. Actually, अगर मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसे कहना चाहिए था कि this side upon this side is equal to this side upon this side. या मैं ऊपर से ऐसे कहूंगा कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड. यानी क्या कहना चाहता हूं मैं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD. आप सोच रहे होंगे, सर ने इस बार उल्टा क्यों लिया, व्हाई आई हैव टेकन टू रिवर्स ऑर्डर. चिल्ड्रन, बिकॉज आई वांटेड टू कंपेयर दिस टू इक्वेशन. देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए. देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ले लोगे आप, तो LHS इक्वल टू LHS है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि RHS इक्वल टू RHS होगा. यानी AO by OC is equal to BO by OD or DO. मगर मुझे क्या प्रूव करना है, AO upon BO is equal to CO upon DO. तो यानी क्या करूंगा मैं, इसको इंटरचेंज करूंगा. यानी क्या होगा, AO upon ये DO इधर आ जाएगा, is equal to OC upon OD लिखने की बजाय मैं DO लिखूंगा. Hence, ये मेरा रिजल्ट प्रूव है. आई हैव प्रूव द रिजल्ट. कितनी सिंपल सी बात है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए इसको. अब नेक्स्ट बात है बच्चों, कि नेक्स्ट कैसे प्रूव करते हैं.
हम यहाँ पर देखते हैं द डायग्राम्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट ईओ परपेंडिकुलर टू बीसी, या फिर कंस्ट्रक्ट ईओ सॉरी पैरेलल टू एबी। ईओ मैंने क्या किया है, एबी को पैरेलल बनाया है। तो ईओ अगर एबी को पैरेलल बनाऊंगा तो देखते हैं कि क्या होता है। कंस्ट्रक्ट ईओ पैरेलल टू, कंस्ट्रक्ट ईओ पैरेलल टू एबी। इफ आई कंस्ट्रक्ट ईओ पैरेलल टू एबी, देन जस्ट सी व्हाट आई कैन राइट। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, थोड़ा आप देखिए। AE upon ED is equal to BO upon OD। यही वाला स्टेप है। क्या मैंने किया यहां पर, AE upon ED is equal to BO upon OD। अब हमको और एक बात यहां पर दिया है, कि इट इज गिवन दैट AO upon BO is equal to CO upon OD। ये आपको दिया है, क्या दिया है, AO upon BO is equal to CO upon OD। CO upon OD ये मैं नहीं कह रहा हूं, डोंट थिंक दैट कुलकर्णी सर इसको बता रहे हैं, ये तो दिया है। दिस इज गिवन, जो गिवन है उसको मैं क्या करूंगा, फिर से इंटरचेंज करूंगा, ये BO इधर आ जाएगा और ये CO इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए आप, AO upon CO is equal to BO upon OD। थोड़ा सा छोटा सा चेंज मैंने यहां पर किया, क्या किया, व्हाट डिड आई डू, फिर से मैं बताता हूं आपको मैंने क्या किया। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, राइट। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, एंड दिस हैज कम बिकॉज ऑफ व्हाट, थेल्स थ्योरम। हाउ इट हैज कम, बिकॉज ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी से आया है। उसके बाद ये कहां से आया, ये तो उन्होंने दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सब क्यों मेहनत कर रहे हैं। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। तो देखिए मैंने क्या कंपेयर किया, थोड़ा आप देखो कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जब मैं देता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को जब मैं कंपेयर करता हूं, तो देखिए मुझे मेरे सामने क्या रिजल्ट आता है। व्हाट इज द रिजल्ट दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, जो रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, यानी AE upon ED विल बी इक्वल टू AO upon OC। देखिए, यानी मैंने क्या किया, this side upon this side is equal to this side upon this side, यानी sides are in proportion। और बच्चों अगर sides are in proportion तो lines are parallel, तो simple सी बात है, implies EO is parallel to BC by converse of BPD। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन इसको पैरेलल है। हमने तो कंस्ट्रक्शन में दिस इज पैरेलल टू दिस कहा था, मगर क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज पैरेलल टू दिस आ रहा है, यानी दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, दैट मींस दिस इज पैरेलल टू दिस, और अ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, यानी लाइंस इट इज अ ट्रेपेजियम। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि ईओ इज पैरेलल टू एबी इज पैरेलल टू बीसी सॉरी डीसी
U is parallel to, यहाँ पर क्या होगा U is parallel to DC आएगा, तो यहाँ हो क्या रहा है EO AB को parallel है और EO अभी हमने बताया कि DC को parallel है, यानी AB DC को parallel है। और अगर AB DC को parallel है बच्चों तो ABCD क्या हो जाएगा, ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपेज़ियम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के साथ ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रायंगल का सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सिमिलर ट्रायंगल की परिभाषा बतानी पड़ेगी। व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल चिल्ड्रन यू नो इट ऑलरेडी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो मैंने आपको बताया था कि इफ यू सुपरइंपोज ओवर ईच अदर इफ दे आर एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग वी कॉल इट एज कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर के लिए क्या होता है, एंगल इक्वल होगा मगर साइड्स प्रोपोर्शन में होगा। उदाहरण के तो यहां पर डेफिनेशन क्या होगा सिमिलर ट्रायंगल की, यहां पर मैंने दो ट्रायंगल्स आपके सामने रखा है, ये एंगल इसके सामने है, ये एंगल इसका इक्वल है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड बाय ये साइड इज इक्वल टू ये साइड बाय ये साइड इज इक्वल टू ये साइड बाय ये साइड है। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, खबरदार ये सिमिलर है, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, इट इज सिमिलर। तो हम ऐसे बोलते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल, एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल क्यू आर ओबीसी, पी क्यू, पी क्यू के साथ ए बी और पी आर के साथ ए सी। सो what is the definition of a similar triangle? Two triangles are said to be similar if their angles are equal, corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion. Sir, हर बार हम तीन एंगल ढूंढेंगे क्या, हर बार हम तीन साइड्स को प्रोपोर्शन में ढूंढोगे क्या? सर कुछ कंसेशन दे दीजिए ना, कॉन्ग्रुएंसी में तो आपने बहुत बड़ा रेट दिखाया था, आपने 50% डिस्काउंट दिया था, तो क्या आप सिमिलरिटी में भी डिस्काउंट दोगे? Are you going to give some discount in similarity also? Yes, दे रहा हूं discount. चलो क्या discount दे रहा हूं, criteria for similarity of two triangles. तो यहां पर criteria of similarity of two triangles के अंदर क्या होता है, तो पहला criteria है angle, angle, angle. यानी अगर किसी triangle के तीन angle, देखिए ये वाला angle इसके बराबर अगर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो और ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तो हम बिंदास कह सकते हैं या बगैर डरे हम कह सकते हैं कि ये साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्राइटेरिया आता है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो then the triangle are similar. यानी किसी दो triangles के अंदर ये वाला angle इसके बराबर है, ये वाला angle इसके बराबर है, ये वाला angle इसके बराबर है, तो automatically उसका sides क्या होगा? अब देखिए कि 2/4, 3/6, 4/8, 1/2 क्या है? Sides equal नहीं होंगे, sides equal नहीं होंगे, sides proportion में होंगे। यानी a अगर b के बराबर है, b अगर q के बराबर है, सी अगर आर के बराबर है, तो ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो यहां आप देख सकते हो ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है। इसको बोलते हैं सिमिलर टू। ये सिंबल किसने यूज किया जाता है, सिमिलर टू, सिमिलर टू। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल एंगल सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता है मगर सिमिलरिटी में आता है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू थ्री एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज यस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहां पर क्या हो रहा है, आप देखिए इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल थे, इसीलिए साइड्स प्रोपोर्शन में था।
अब की बार हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि ये 2 है ये 4 है, यानी 2 बाय 4 कितना होगा, 1:2 होगा। ये 1.5 है तो ये 3 है, ये 2.5 है तो ये 5 है, यानी हर बार ये डबल है। तो इसका साइज अगर प्रोपोर्शन में होता है, यानी AB बाय BQ, AC बाय BR और BC बाय QR तीनों प्रोपोर्शन में है, ध्यान देना प्रोपोर्शन में है, इक्वल नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्लास 10 स्टैंडर्ड के अंदर हो, क्लास 10 स्टैंडर्ड के अंदर हम सिमिलैरिटी की ही बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी अगर मैंने कहा तो इक्वल होगा, सिमिलैरिटी अगर मैंने कहा तो प्रोपोर्शन में होगा। सो दैट मींस व्हाट, 2 3 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज इन प्रोपोर्शन विद 3 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज this angle will be equal to this angle, this angle will be equal to this angle, and this angle will be equal to this angle. So that means what? This is what we call it as SSS similarity criterion. And if you take care of three sides, automatically three angles will be equal. If you take care of three angles, then automatically three sides will be in proportion. Now next is SAS similarity criteria. It says that if two triangles are given to us, and their sides are in proportion. See, 4 by 2 means what? 2. 3 by 1.5 means what? Again 2. So, two sides are in proportion and one angle is, including the two proportion sides are equal. So, the triangles are similar. यानी यहाँ पर जो दो sides proportion में हैं, उन proportion वाले side के बीच का angle equal है। तो automatically ये वाला angle इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इससे बराबर होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड प्रोपोर्शन में होगा। तो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उदाहरण के तौर पे आप AB बाय BQ आप देख सकते हैं, यहां पर 4 बाय 2 है, फिर BC बाय QR आप देखिए 3 बाय 1.5 है, और उन दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि बचा हुआ जो एंगल ए है वो बी के बराबर होगा, बचा हुआ जो एंगल सी है वो आर के बराबर होगा, और बचा हुआ जो साइड है वो प्रोपोर्शन में होगा। यानी अब कॉन्ग्रुएंसी की बात हम नहीं करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग कहते थे कि दे आर एग्जैक्टली इक्वल, यहाँ हम कहते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। सो ये क्राइटेरिया थे सिमिलैरिटी के, यानी तीन अगर क्राइटेरिया आप याद रखोगे तो बाकी के तीन जो है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया वाज एंगल एंगल एंगल, सेकंड वाज SSS, एंड नेक्स्ट वाज SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।